देहरादून में आपको बता दें कैबिनेट की बैठक लगातार जारी है। सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट की मोहर लगेगी। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, सतपाल महाराज, रेखा आर्य, सुबोध उनियाल मौजूद हैं और गणेश जोशी, धन सिंह रावत मौजूद हैं इस बैठक में। सौरभ बहुगुणा भी बैठक में शामिल हैं। कई विभागों की नियमावली में संशोधन हो सकता है। सर्विस सेक्टर पॉलिसी का प्रस्ताव भी कैबिनेट में लाया जाएगा। कर्मचारियों के डीएस समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मुहर लग सकती है। चारधाम यात्रा की तैयारियों पर चर्चा हो सकती है। धामी कैबिनेट की अहम बैठक लगातार जारी। कैबिनेट की ये बैठक है धामी कैबिनेट की जो जारी है, जिसमें कैबिनेट मंत्री शामिल हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं, एजेंडे हैं जिनको लेकर इस बैठक में चर्चा जारी है। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक ली जा रही है। बैठक में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, सतपाल महाराज, रेखा आर्य, सुबोध उनियाल मौजूद हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता नासिर हुसैन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। नासिर, पुष्कर सिंह धामी अध्यक्षता कर रही हैं, कैबिनेट की अहम बैठक आज हो रही है, कौन कौन से वो प्रस्ताव हो सकते हैं जिन पर मुहर लग सकती है? देखिए, लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले आचार संहिता लग गया। सरकार अपने जो कामकाज पेंडिंग है उनको निपटा लेना चाहती है, ताकि आचार संहिता के बाद सरकार को कामकाज करने में दिक्कत ना आए और जो पुलिस रिलेटेड फैसले हैं वो लेने में, क्योंकि वो नहीं लिए जा सकते आचार संहिता के समय, इसलिए ये अहम कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय आज लिए जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य में जो चारधाम यात्रा है उसको लेकर के सरकार निर्णय लेने वाली है, क्योंकि क्योंकि मार्च में अगर आचार संहिता लग जाती है तो मई तक पूरे महीने तक कोई पॉलिसी मैटर पर निर्णय नहीं ले जा सकेंगे। इसलिए कैबिनेट को बुलाया गया है ताकि चारधाम यात्रा में कोई दिक्कत ना आए, चारधाम यात्रा सही और सुशील तरीके से संपन्न की जा सके, इसको लेकर के जो भी निर्णय लिए जाने हैं चारधाम यात्रा को लेकर के वो आज कैबिनेट बैठक में लिए जा सकते हैं। कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव आ सकते हैं, कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधित, क्योंकि लगातार मौसम बदल रहा है और मौसम बदलने के कारण बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं और इस वजह से सरकार स्वास्थ्य संबंधित निर्णय भी लेना चाहती है, ताकि आचार संहिता के दौरान कोई दिक्कत ना आए और जो पॉलिसी मैटर है उन पर निर्णय ले जा सके, इसके लिए महत्वपूर्ण बैठक आज बुलाई गई है। चारधाम यात्रा के अलावा पर्यटन और स्वास्थ्य विभाग के अलावा शिक्षा महकमे के कुछ संशोधन नियमावली के प्रस्ताव हैं उन पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा एमडीडी है और लोक निर्माण विभाग के जो कुछ संशोधन प्रस्ताव हैं और कर्मचारियों के टीए संबंधित मांगे हैं और कर्मचारियों की जो प्रमोशन संबंधित मांगे हैं उन पर भी आज चर्चा हो सकती है और उसके बाद कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। तो क्या कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट आज बुलाई गई है इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं, ताकि जनता के हित में फैसले जा सकते हैं, ताकि आगे आने वाले समय में सरकार को कोई काम करने में दिक्कत ना हो। बिल्कुल नासिर, आपने कहा कि जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं, कई ऐसे प्रस्ताव भी हैं इस बैठक में जो अहम प्रस्ताव रखे जाएंगे जिन पर मुहर लग सकती है। साथ ही साथ जाना चाहेंगे, क्योंकि देखिए चारधाम यात्रा का आपने जिक्र किया, उसकी दृष्टि से कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा सकती है, क्योंकि चारधाम यात्रा भी शुरू होने वाली है। दीपिका, बिल्कुल, चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। जैसे जैसे सर्दी खत्म हो रही है वैसे ही अब गर्मी प्रकोप कर रहा है, तो लोग तीर्थ यात्रा के लिए और तमाम जो पर्यटन यात्रा है उनके लिए यहाँ पर रुक करते हैं। ऐसे में इनकी तैयारियां पहले से करनी होती है और इसी को लेकर के आज महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, ताकि जो चारधाम यात्रा है या पर्यटन संबंधित निर्णय आज इस कैबिनेट बैठक में। बिल्कुल नासिर, चलिए नासिर, फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।